बोलेगी, जय बोलेगी, जयकारा वीर बजरंगे। तो आप कितने लोग आए हुए? बोले पांच जने, दो अभी है, एक आगे गए। तो आपने जो भगवान शंकर का जो ये मूर्ति आप लेके आए हो, तो आपने ये हरिद्वार से खरीदी? तो ये तो बहुत ही आपने आकर्षण का केंद्र बना हुआ है आपका। आपको मतलब क्या कहना चाहेंगे, आपने जो ये निराली कावड़ आप महादेव को आप लेके जा रहे हो अपने साथ में, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप अपने बारे में कि आपने ये कैसे सोचा कि मैं कुछ अलग करूंगा, निराला करूंगा? देख के बोले पसंद आ गया, लेने गए तो कुछ और लेके आ गए कुछ और। अच्छा अच्छा, तो आप ये भोले बाबा की जो मूर्ति है ये अपने शिवालय तक पैदल ही लेके जाएंगे? पैदल ही बोले। अच्छा, तो अभी आपके ग्रुप में कितने मेंबर आए? चार बोले करने आ रखे हैं। और यहाँ पे जो कावड़ का जो ये सावन का महीना चल रहा है, इसमें जो कावड़ें चल रही है, ये बहुत अच्छा एक जो है हमारा त्यौहार भी है, और इसको हम मानते हैं शिव यात्रा को। और ये दो साल जो बंद रही है अभी कावड़, इसके साथ जो है अभी ये इस साल बहुत ज़्यादा जो है कावड़ यहाँ पे उभरेगी, दो बार दर्शन लोग आएंगे यहाँ पे हरिद्वार में, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे आने वाले समय में। तो आप इतनी दूर से चल के, पहाड़ों से चल के आप धर्म नगरी हरिद्वार में आए, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सावन का महीना चल रहा है और कावड़ का ये त्यौहार चल रहा है हमारा हिंदुत्व का, और इसमें बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे, इतनी सारे भीड़ है और भी आगे आने वाले समय में कई भीड़ उमड़ेगी। ये हमारा जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। आपने ये नहीं सोचा कि हरिद्वार में इस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, सावन मास का जो कावड़ का मेला लगता है वो यहाँ पे चालू है? अभी यहाँ पे तो पहला सोमवार कल था सावन का, अभी तो आने वाला समय देखो आप, और ज्यादा भीड़ उभरेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कल से बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है, तो इस बार जो कावड़ यात्रा में जो कावड़िया आने की उम्मीद है, कम से कम 5 से 5 करोड़ से ज्यादा कावड़िया आने की उम्मीद है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उमड़ेगी जी, बिल्कुल उमड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड ये देवों की भूमि है और हरिद्वार हमारा एक ऐसा स्थल है कि यहाँ पे देश विदेश से दुनिया से लोग आते हैं, ये तो धर्म नगरी है यहाँ पे। यहाँ पे तो एक स्थान ऐसा है कि यहाँ पे कई लोग आते हैं यहाँ पे, और कई मुक्तियाँ होती है यहाँ से, ये तो ये ऐसा दरबार है यहाँ पे हरिद्वार का, ये खुला दरबार। चलिए फिर आप यहाँ पर आए और यहाँ हरिद्वार धाम में आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर वीर बजरंगे। जी में इन्होंने स्नान भी कर लिया है, तो एक बार फुल जोर से फुल एनर्जी के साथ आप एक बार भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए। बोल शिव शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोल वीर बजरंगी, शंकर वीर बजरंगे, शंकर वीर बजरंगे, शंकर भगवान की जय, जय बोले की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah.
दोस्तों अभी हम हर की पौड़ी घाट पर मौजूद है और हर की पौड़ी जो कांवड़ यात्रा का जो 2022 का जो मेला है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। भारी मात्रा में यहाँ पर कांवड़िया गंगा जल भरने के लिए आ रहे हैं। कांवड़ और कांवड़ अपनी उठाकर अपने शिवालयों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और आने वाले 2 या 3 दिन में उम्मीद है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। कम से कम 4 से 5 करोड़ कांवड़िया आने की यहाँ पर उम्मीद है। तो इस टाइम यहाँ पे हम हर की पौड़ी पर 0 ग्राउंड से आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। आप हमारे चैनल में बने रहिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। कुछ भोले आए हुए हैं, अब हम उनसे पूछते हैं कि वे कहां से आए हुए हैं और यहां से जो अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे कहां से कहां तक की उनकी यात्रा रहेगी। तो भोले आप कहां से आए हो? मैं गौमुख से, दिल्ली। गौमुख से आए हो? तो गौमुख से जो आप गए थे तो गौमुख से आप गंगोत्री से आपको आगे जाना पड़ा होगा। हाँ, तो वहाँ की यात्रा भी आपको पैदल ही करनी पड़ी होगी। हाँ, पैदल की है। तो मैंने सुना है कि गंगोत्री से गौमुख का जो ट्रैक है वो 18 किलोमीटर का ट्रैक है, काफी दुर्गम भरा ट्रैक है। हाँ, तो आपको वो ट्रैक करके कैसा लगा? अच्छा लगा। इसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ी होगी। हाँ, तो वहाँ की आपको गौमुख के दर्शन हुए, आपकी यात्रा वहाँ से अच्छी रही। तो आपने जो जल भरा वो गौमुख से भरा, गंगोत्री धाम से भरा? गौमुख से। तो गंगोत्री और गौमुख धाम से चल के आप पैदल यात्रा करते हुए आप हर की पौड़ी आ गए हो। अब आप हर की पौड़ी से अपना प्रस्थान करने वाले हो, तो आप अपना जो जल लेके जाएंगे, अपनी कांवड़ जो चढ़ाएंगे, कहाँ पे चढ़ाएंगे? दिल्ली, जनकपुरी। तो आप बताइए अपने बारे में, आप भी अपना जनकपुरी में जाएंगे, आप अपना नाम बताइए। हम फरीदाबाद तिगामद्रो। थोड़ा जोर से बोलो। बोले फरीदाबाद तिगामद्रो जाएंगे, गंगोत्री से जल उठाया है और हरियाणा जल चढ़ाएंगे। तो बोले आप भी बताइए आपका जो इस बार 2022 की कांवड़ यात्रा का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा? काफी कांवड़ियों की भीड़ आ रही है और उत्तराखंड में आए हो, आपको उत्तराखंड में किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, कोई कैसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा हमें जी। गंगोत्री से यहाँ तक का हमारा सफर बहुत ही अच्छा रहा और हम अपना जल जाके अपने गांव बदरौला में। यहाँ पे जो प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है प्रशासन ने, बहुत अच्छा लगा। शिव भक्त जो हरिद्वार में अभी आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सब सुख शांति से अपनी कांवड़ उठाएं और अपने वहाँ पे जल चढ़ाएं। आप बताइए सर अपना नाम? बताइए अमित। तो आप आने वाले शिव भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया जी, अपना इस मौसम में आते हैं लोग, बढ़िया जी। तो मुझे लग रहा है आप इस टाइम काफी एनर्जी में हो, इस टाइम पे आप बिल्कुल फुल एनर्जी है। तो आप यहाँ से निकल चुके हो और गंगा जी में इन्होंने स्नान भी कर लिया है, तो एक बार फुल जोर से फुल एनर्जी के साथ आप एक बार भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए। बोल शिव शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, वीर बजरंगी, वीर बजरंगी, वीर बजरंगी, शंकर भगवान की जय। और इन्होंने हमें बताया कि वो हरिद्वार हर की पौड़ी से पूरा महादेव पूरे जल चढ़ाएंगे, जहाँ पर भगवान परशुराम ने पहली कांवड़ चढ़ाई थी। कहावत यह है कि पूरा महादेव जो मंदिर है वो बहुत ही पौराणिक मंदिर है और ज़्यादातर कांवड़िया अपना गंगा जल वहीं से चढ़ाते हैं। तो आप अपने भाइयों से जानते हैं जो भोले के भक्त यहाँ पर हर की पौड़ी पर अपनी कांवड़ लेके आए हुए हैं, तो इनके बारे में इनसे पूछते हैं कि ये पदयात्रा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनको टाइम कितना लगेगा? बोले तो आपको वहाँ पे जाने में कितना टाइम लगेगा? 8 दिन लगे। आप यहाँ से अपनी जो पदयात्रा स्टार्ट कर रहे हो आज से कर रहे हो, कितने बजे आप जब भर लेके आते हैं? तो आप यहाँ पे आए हरिद्वार से, हरिद्वार से कहाँ घूमने आप? तो नीलकंठ मंदिर में आपने देखा कि वहाँ पे भीड़ थी, काफी खाली पड़ा हुआ था, तो नीलकंठ मंदिर के दर्शन करके आपको कैसा लगा? तो आप कितने लोगों का ग्रुप है? तो आप एक साथ यहाँ से जल चढ़ाएंगे, तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे 26 तारीख की है, तो 26 तारीख को वहाँ पे जल चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा पूरा महादेव पे। तो सभी भक्त वहाँ पे जाएंगे, पूरा महादेव पे जल चढ़ाएंगे और मैं सभी से भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगवाना चाहता हूँ। तो जो एक बार जोर से बोलते हैं, जयकारा वीर बजरंगे, बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। हरिद्वार में इस टाइम कांवड़ का मेला अपने पीक पर चल रहा है और आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई की जो आप अभी इस टाइम जो हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो हर की पौड़ी से लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि हर की पौड़ी का इस टाइम का जो नज़ारा है आप देख सकते हो कि भारी मात्रा पर यहाँ पर अपनी कांवड़िया गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार में आ चुकी है। हर की पौड़ी से हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, लाइव आप देख सकते हो कि ये हर की पौड़ी का जो नज़ारा है इस टाइम आपकी आंखों के सामने है।
और देश के दूर दूर के हिस्सों से स्टेटों से बहुत सारे शिव भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि गंगा स्नान करने के बाद में गंगा जल भर के अपने निवास स्थान और बड़े बड़े शिवालयों की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो मेला काफ़ी पीक पर है और यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट और प्रशासन ने काफ़ी कड़े उत्साह इंतजाम किए हुए हैं। चारों तरफ से पुलिस भारी मात्रा में मुस्तैद किया हुआ है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी अलर्ट किया हुआ है, तो सुरक्षा की तो कोई चिंता नहीं है। आप आ सकते हो हरिद्वार में, तो आपको भारी मात्रा में यहाँ पे काफ़ी शिव भक्त देखने को मिलेंगे, जो कि दूर दूर से अपने क्षेत्रों से आ रहे हैं यहाँ पर कांवड़। तो बताइए मित्रों, आज हमारे द्वारा बनाया गया कांवड़ यात्रा के ऊपर का वीडियो आपको कैसा लगा? हम आपके लिए ऐसे कांवड़ यात्रा के ऊपर नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। कृपया करके आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोग खुश रहे और स्वस्थ रहे। जय उत्तराखंड।